अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आज इस नए ब्लॉग के साथ मौजूद हैं। तो बेसिकली ये ब्लॉग जिस चीज़ के हवाले से है वो ये है कि टूअर इंटर मेडिकल कॉलेज। तो मैंने सोचा कि चलो उसको कुछ नया तरीके से स्टार्ट करते हैं, तो बिना किसी देरी के इस ब्लॉग को करते हैं। सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर पे जो है फोर्थ लेवल का, इसको फोर्थ लेवल कहा जाता है कि टॉप मोस्ट फ्लोर है। अब इसकी मैं आपको बताता हूँ कि क्या है इसके अंदर। तो अभी हम जिस लेक्चर हॉल पर मौजूद हैं वो है लेक्चर हॉल नंबर 4। ये हम अब मैंने सोचा कि जैसे जैसे मैं फ्लोर्स के बारे में जाता रहूँगा, मैं आपको फ्लोर्स के बारे में दिखा देता हूँ, आपको फ्लोर्स के बारे में बताता रहूँगा। इस फ्लोर पे टोटल 2 लेक्चर हॉल्स हैं। जो जिस लेक्चर हॉल में अभी खड़ा हूँ लेक्चर हॉल नंबर 4 है, ये कभी हमारा हुआ करता था, अभी हमने छीन लिया गया है क्योंकि हमें दूसरे लेक्चर हॉल में दिया गया है। उधर 2 सेमिनार रूम्स हैं जहाँ सेमिनार हो सकते हैं, वहाँ डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स का बोर्ड ऑफिस है वहाँ पे, जहाँ पे प्रिंसिपल होते हैं, और एक आईटी लैब का भी ऑफिस है। तो ये चीज़ें हैं फोर्थ लेवल के फ्लोर पे। उधर एक स्किल लैब है और वही लेक्चर हॉल है जो मैं भी आपको दिखा कर आया हूँ। तो अभी हम मौजूद हैं हमारे फ्लोर नंबर 3 पे। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम मिले हमारे अंकल से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अंकल? खैरियत से? तबीयत सही है आपकी? तबीयत वगैरह सही है आपकी? कोई हुक्म हमारे लाइक? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो एक ये लेक्चर हॉल है, इधर क्लास चल रही है, मैं अभी दिखा नहीं सकता। एक हमारा कम्युनिटी रूम है और इस साइड पे एक और कम्युनिटी रूम है और पर्टिकुलर ऑफिसेज हैं जो मतलब रिस्पेक्टेबल उनके पर्सनस के, जिधर काम दूसरे होते हैं, जैसे हमारी स्लिप्स का काम उनको भेजना। और ये जो है ये पीए टू चीफ एग्जीक्यूटिव, क्या है भाई ये पीए टू चीफ एग्जीक्यूटिव का है, कुछ असिस्टेंट का, एक सर इकबाल का जो यहाँ के सीईओ है उनका रूम है। तो ये हमारी मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस के साथ ये हमारा सेकंड लेवल है, ये सेकंड फ्लोर है। इधर सिर्फ एक लेक्चर हॉल है और वो लेक्चर हॉल मैं आपको भी दिखाता हूँ। एक ही लेक्चर हॉल है, पत्नी इधर क्लास हो रही है नहीं हो रही है, ये एक लेक्चर हॉल है। देन फिर लैब्स हैं, तो सेकंड फ्लोर पे सिर्फ एक ही लेक्चर हॉल है, और देन एक फर्स्ट फ्लोर पे वो ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है। इधर टोटल एडमिन स्टाफ सब बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे होते हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा तो आने की इजाज़त नहीं है लेकिन मैं आता हूँ। तो इधर फीस वगैरह का काम, मतलब फीस पे करना, ट्रांसपोर्ट का काम और अटेंडेंस का जो इशू, तो टोटल मेन एडमिन ब्लॉक ये है। एडमिन से रिलेटेड कोई भी काम हो तो वो इधर होता है। अब बाहर चलते हैं। इस्माइल भाई, गर्मी हो रही है बहुत खतरनाक है। ये हमारा सबसे लेवल नंबर 1। तो यहाँ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 एक लेक्चर हॉल है और वहाँ हमारा ही लेक्चर हॉल है, उधर हम लोग क्लास लेते हैं। मैं बस लेक्चर हॉल को दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले बता दूँ ये एक सेमिनार रूम है, एक हमारा ये फिजियोथेरेपी का लैब है, डिपार्टमेंट है वो, हमारा हिस्टोलॉजी का लैब है। ये जो इधर का एरिया है मतलब वो हमारा लेक्चर, ये हमारा लेक्चर हॉल है, ये ऑडिटोरियम है। तो भाई ये है कुछ हमारा इस तरीके का ऑडिटोरियम, और अभी यहाँ पे कॉमी तराना चल रहा है लेकिन वो है नहीं यहाँ पे, लेकिन ये बहुत अच्छा बना हुआ है, एक बहुत। ये इलेक्ट्रिक रूम है, यहाँ पे हमें कभी भी हमें बिजली गिरानी हो यहाँ से गिरा सकते हैं। और ये है फैकल्टी रूम या कम्युनिटी मेडिसिन का, सेम एनाटॉमी लैब, देन डिपार्टमेंट जहाँ पे सारे एनाटॉमी टीचर्स, एनाटॉमी बायोकेम फिजियो के टीचर्स बैठे होते हैं, बाकी पर्टिकुलरली वो बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है। मैं देखता हूँ अंदर जाके क्या हाल होता है, कुछ पता नहीं लेकिन चलते हैं। तो
तो लेक्चर हॉल से फायरिंग होने के बाद अब हम दिखाते हैं आपको लैब्स के, लैब्स यहाँ पे क्या कौन कौन सी और कितनी है, तो लैब्स देखने चलते हैं। क्या हाल है? जैन भाई अब ज़रा लैब्स के हमें रिव्यू देना है जितनी हमारी लैब्स है, तो पहले एनाटॉमी लैब में चलते हैं दिखाते हैं क्या सीन है। तो कुछ इस तरह की है हमारी एनाटॉमी लैब। पढ़ना कुछ नहीं है बस ये डाइजेस्टिव सिस्टम, अपर लिम, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये मॉडल्स, ये कुछ ट्रांसफर्स सेक्शंस, और ये हमारा वेनकट बेस्ट फ्रेंड, ये आई मॉडल्स, और फिर कोई बोन्स अपर लिम लोअर लिम्स की। तो ये इस तरीके का नॉर्मल, कोई इतना वैसा तो नहीं है एनाटॉमी लैब, लेकिन ये इस तरीके का है। अब चलते हैं फिजियो लैब। चल हाँ, अब फिजियो लैब चलते। भाई क्लास कितनी देर में? सईद भाई क्या हाल है? सर दवाई खा रहा हूँ जी। अच्छा साईं कैसी तबीयत है आपकी? साईं तबीयत बेहतर है। चिप्स ये कैसे हैं? बिस्किट नहीं करते? बिस्किट कैसे हैं? नहीं कुछ एक डायलॉग था। तो भाई अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स के लिए वो है द लाइब्रेरी। ये दिखाते हैं हम। लाइब्रेरी है वो, और अब हम जा रहे हैं टक शॉप पे। भाई जान अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? तबीयत सही है आपकी? ओए होए होए चलवार आज तो आना है, चलवार का भी जो पहनी हुई है गणेश भाई। अहमद भाई कहाँ है यार? इस ब्लॉग में मजा ही नहीं आ रहा था, आज मजा आया ब्लॉग में। आज बोर्डिंग कर रहे हैं, होर्डिंग आ रहे थे। तो भाई ये है हमारी कुछ टक शॉप इस तरीके की है। अच्छा एक हमारी कैंटीन जो है प्रॉपर हॉस्पिटल में, जब वो हॉस्पिटल में जाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक टक शॉप है, आए आपको एडवांस कंप्यूटर पे बिलावल भाई से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलावल भाई, खैरियत से हैं आप? तबीयत सही है बिलावल भाई? पेटिस ले आए आप? ये अपने चिकन वाले दिखा तो दें खोल के। समा भाई कैसे हैं आप? आप तो सर आई नहीं रहे व्लॉग्स में। साहब भाई क्यों इतने उदास हैं? कट ऑफ चल रहा है। क्यों इतने उदास चल रहे हैं आप? साहब भाई अब टक शॉप हमें तो निकल ही नहीं रहे। टक शॉप का शॉट लेने के बाद अब चलते हैं क्लास में, फिर हॉस्पिटल जाएंगे तो उधर कैंटीन दिखा के व्लॉग एंड कर देंगे। हमारे प्यारे भाई हैं हैदराबाद से, इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेहरबानी मेहरबानी। और अब इस ब्लॉग को चला कंप्लीट, मेक श्योर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।